शायद आज का ये हमारा शाम का खाना हर किसी को पसंद ना आए, लेकिन जो खाने की क्वालिटी को जानता है ना, उसको डेफिनेटली ना हमारा ये डिनर ना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चलिए आज मैं ना आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम शाम के टाइम खाने में किस तरीके का खाना बनाते हैं। वैसे तो खाना रेगुलरली हमारे घर पे इसी तरीके का बनता है, लेकिन शाम का जो खाना होता है ना, थोड़ा सा और भी ज़्यादा लाइट कर देते हैं। उसके लिए आज बना रही हूँ मैं अपने हस्बैंड की पसंद का डिनर, जिसमें वो चने की दाल खाना ना ज़्यादा पसंद करते हैं। पता नहीं क्यों उन्हें चने की दाल खाना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें टेस्टी लगती है। अच्छा, जितनी मुझे चने की दाल चाहिए थी, मैंने चने की दाल ले ली है और उसमें ना 4 गुना पानी डाल के और यहाँ पे हल्के हल्के से हल्दी, नमक, मिर्च और हींग डाल दिया है। उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ और मैंने उसको ना उबलने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें 5-6 सीटी लगा लेते हैं, क्योंकि जो चने की दाल है मैंने पहले से भिगो के नहीं रखी थी, तो सीटी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। एक खास स्पेशल तरीके की रोटी की रेसिपी शेयर करूँगी आज आपके साथ। जैसे मैंने यहाँ पर ये नॉर्मल सूखा आटा लिया ना, गेहूँ का आटा जिसकी हम चपाती बनाते हैं, उसमें हल्का सा नमक और हल्की सी ना कसूरी मेथी लगा लेनी है और फिर हल्के से गुनगुने पानी से ना इसको गूंथ लेना है। अच्छा, इन रोटी का ना आटा थोड़ा सा मेहनत से गूंथा जाता है, थोड़ा सा पेशेंस को रखते हुए, यानी कि बिल्कुल ना सॉफ्ट आटा गूंथना पड़ता है। तो आटा गूंथने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होता है हमें। लगभग मैंने इसको 8 से 10 मिनट के लिए लगातार अच्छे से मथते हुए गूंथ के तैयार कर लिया है, बिल्कुल चिकना तैयार हो चुका है। अब इसको रखने की भी ज़रूरत नहीं है। पलोथन लगाने के लिए ना थोड़ा सा सूखा आटा ले लेते हैं और यहाँ पर तैयारी हो चुकी है रोटी बनाने की। दाल भी हमारी अच्छे से बनके ना तैयार हो चुकी है। कुकर में जितना प्रेशर बचा था उसको ठंडा हो जाने देते हैं, बाद में दाल को देखते हैं। चलिए यहाँ पर मैं रोटी सेक लेती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो चला है लगभग 7:30 बजे का। तो मैं साइड में ना दूसरा काम भी कर रही थी, तो खाने में आज लेट हो रहा है, तो भोग लगाना है पहले, अभी हमें तो खाने में टाइम लगेगा। तो पहले 2 रोटी ना लड्डू गोपाल जी के लिए सेक देती हूँ। अब जैसे हमने यहाँ पर ये नॉर्मल सी रोटी बनाई है ना, अच्छे से बढ़ा लेना है, पतली सी रोटी बनानी है और इसके ऊपर ना हल्का सा घी लगा देना है। घी नहीं है तो आप यहाँ पर तेल वगैरह भी लगा सकते हैं, बट ना रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल ना स्किप करिएगा। रिफाइंड ऑयल हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए रिफाइंड का इस्तेमाल मत किया करें खाने में। और बस सिंपली इसको अच्छे से फोल्ड करके गोल गोल सा करके नॉर्मल पेड़ा बना के ना, या जिस तरह से भी आप चाहे इस तरीके से उसको एडजस्ट करके और दोबारा से सूखा आटा लगा के इसको ना बेल लेते हैं, तो आसानी से बेल जाती है। चलिए तवा मैंने रख दिया था, मीडियम सा गर्म हो रहा है, साथ के साथ मैं रोटी को सेकती जाऊंगी और साथ के साथ ही बनाती जाऊंगी। यहाँ पर ये मैंने दूसरी रोटी भी बना दी है और पहली रोटी ना तवे के ऊपर डाल दी है। कैमरे का फोकस बार बार उठाने में थोड़ी सी ना दिक्कत होती है, तो दूसरी रोटी भी आपको बेल के दिखाती है। चलिए सेकने का जो प्रोसेस होता है ना, वो अब आपको दिखाती हूँ आगे। पहले इस रोटी को भी हम बेल लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो तवे के ऊपर हमारी रोटी रहती है ना, उस पर खास फोकस रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम चकले के ऊपर ध्यान लगाने के चक्कर में तवे की रोटी को जला बैठे, उस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। 3-4 बार उलटते पलटते हुए ना उसको तब सेकना चाहिए। चलिए जैसे हमने यहाँ पे रोटी को डाल दिया है, 20-30 सेकंड के लिए सीज जाने देते हैं और उसके बाद ना पलट देते हैं। बीच बीच में 1 से 2 बार इस तरीके से भी उठाते हुए उसको पलटते रहेंगे, मतलब ना तो एक साइड से ज़्यादा जले और ना ही कच्ची रह जाए। रोटी हल्की सी दूसरी तरफ से सिक जानी चाहिए और जब सिक जाए इस तरीके से गैस के ऊपर रखें, मिट्टी पे के चूल्हे पे बनाते हो तो मिट्टी के चूल्हे पे भी ऐसी बना सकते हैं, और अच्छे से सेक लेते हैं। 2 रोटी मैंने यहाँ पर सेक ली है। हम यहाँ पर कुकर को खोल देते हैं। थोड़ा सा नज़ला जुकाम ना अभी भी जोर कर रहा है, 3-4 दिन हो चुके हैं, सही होने का नाम नहीं ले रहा है। तो जो हमारी ये दाल है ना, दाल भी बनके तैयार हो चुकी है। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना चने की दाल के साथ थोड़ी सी ना मसूर की दाल नहीं बोल सकते, साबुत मसूर डाल दी, क्योंकि मुझे ना प्योर चने की दाल ना अच्छी नहीं लगती है खाने में। ऊपर से हमने इसमें तड़का नहीं लगाते, इसीलिए बोल रही थी कि हमारा शाम का खाना ना शायद ही किसी को पसंद आए। हमारे यहाँ पर दाल बनती है ना तो उसमें तड़का नहीं लगाया जाता है, बिल्कुल सिंपल वे में बनती है, बस थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए और बच्चों को भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए और दूसरा उनको मतलब उनके लिए कोई कमी ना रहे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे घी डाल देती हूँ। तो चलिए ये थाली हमारी ना लग के तैयार हो चुकी है, कान्हा जी की थाली देने के लिए चलते हैं। आप चाहे तो थोड़ा बहुत अचार भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आम का अचार रख लिया है। तो हमारे लिए तो ये बहुत टेस्टी थाली होती है, मेरे घर में ना इसी तरीके का सिंपल खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है, इस दाल को ना खाली कर लेते हैं। अच्छा, जब मैंने देखा ना कि मेरे परात में आटा कम था, तो मुझे लगा अब दोबारा से ना आटा लगाना पड़ेगा, और जो दूसरा दाल है ना वो चावल के बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मुझे और मेरे बेटे को। तो मैं यहाँ पे ना थोड़े से चावल बना रही हूँ। अब चावल को जल्दी से बनाना पड़ेगा ना, इसमें फटाफट से सीटी लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है।
हमारे चावल अच्छे से बन जाएंगे।